नमस्कार, मैं मनीष मिस्त्री। स्वागत है आपका मनीष मिस्त्री एकेडमी में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर, और इस चैप्टर में हम उन सभी क्वेश्चंस को करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पॉलीफेज इंडक्शन मोटर आमतौर पर सेल्फ स्टार्टिंग होता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को पॉलीफेज मोटर भी कहा जाता है। जब स्टेटर को थ्री फेज सप्लाई से जोड़ा जाता है तो उसमें तुल्यकालिक गति यानी सिंक्रोनस स्पीड से घूमने वाला मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। यह फ्लक्स वायु अंतराल को पार करके रोटर के सतह को स्पर्श करता हुआ चालकों को काटता है। इस प्रकार रोटर और स्टेटर में उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड में पारस्परिक क्रिया के फलस्वरूप रोटर घूमने वाले क्षेत्र की दिशा में घूम जाता है और मोटर प्रारंभ हो जाता है। स्टार या डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग थ्री फेज इंडक्शन मोटर में किया जाता है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में चार प्रकार के स्टेटर प्रयोग किए जाते हैं। DOL स्टार्टर 5 HP के लिए प्रयोग किया जाता है। स्टार डेल्टा स्टार्टर 5 HP से 20 HP तक उपयोग किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर 20 HP से अधिक के लिए उपयोग किया जाता है। स्लिप रिंग स्टार्टर केवल स्लिप रिंग मोटर के लिए यूज किया जाता है। DC शंट मोटर के लिए दो स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, थ्री पॉइंट स्टार्टर, फोर पॉइंट स्टार्टर। DC सीरीज मोटर के लिए टू पॉइंट स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। किसी ड्रम टाइप स्टार्टर में स्टार्टिंग करंट को कम करने हेतु सीरीज रेजिस्टेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सीरीज में प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है और धारा का मान कम हो जाता है। स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड सप्लाई की फ्रीक्वेंसी में पोल की संख्या में परिवर्तन करके सप्लाई वोल्टेज घटाकर नियंत्रित किया जा सकता है, यानी N=120 f/P, E=K×∅×ω और V=E+IA×R, एन सिंक्रोनस स्पीड है। चार पोल 5 HP थ्री फेज 50 साइकिल पर सेकेंड 400 वोल्ट इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? तो N=120 f/P, 120×50 फ्रीक्वेंसी, चार पोल, 1500 RPM। थ्री फेज मोटर इंडक्शन मोटर की स्पीड सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा कम होती है, क्योंकि यदि रोटर स्पीड सिंक्रोनस स्पीड के बराबर हो जाएंगे तो रोटर चालकों के बीच सापेक्ष गति शून्य हो जाएगी। फलस्वरूप रोटर कंडक्टर्स में इंड्यूस्ड EMF तथा करंट शून्य हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इस प्रकार मैग्नेटिक फील्ड में बिना करंट के रोटर कंडक्टर पर टॉर्क का मान शून्य होगा, फलस्वरूप रोटर रुकने का प्रयास करेगा। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का स्टार्टर DOL स्टार डेल्टा ऑटो ट्रांसफार्मर है। मोटर के चलते समय उसके त्वरित होने में देरी का कारण अधिक लोड होना, कम मेन वोल्टेज का होना या दोषपूर्ण बियरिंग भी हो सकता है, जबकि दोषपूर्ण संपर्क बिंदु होने पर मोटर नहीं चल सकता है। मोटर सर्किट ब्रेकर हेतु साइकिल को बंद करने का समय 0.01 सेकेंड है। मोटर सर्किट ब्रेकर साइकिल को बंद करने का समय 0.01 सेकेंड है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्लिप परसेंटेज NS-N/NS×100 है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर अपीयलेंसेज इंडक्टिव रिएक्टिव पावर ड्रॉ करता है। इंडक्टिव मोटर सिंक्रोनस स्पीड से कम पर चलती है। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में, जिसमें स्टार या डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक क्वाइल के टर्मिनल्स पर वोल्टेज लाइन वोल्टेज √3 होती है। पॉलीफेज इंडक्शन मोटर और सिंक्रोनस मोटर के कार्यों में सिंक्रोनस मोटर्स पावर फैक्टर सुधारती है तथा इंडक्शन मोटर कम करती है। इंडक्शन मोटर पावर फैक्टर को कम करती है। डबल केज स्क्विरल मोटर के साथ DOL स्टार्टर 1.5 किलोवाट पावर तक के मोटरों के साथ लगाया जाता है।
डबल केज स्क्वेरल मोटर के साथ DOL स्टार्टर 1.5 किलोवाट पावर तक के मोटरों के साथ लगाया जा सकता है। सामान्यतः 3 HP अधिकतम 5 HP की स्क्वेरल केज टाइप 3 फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए DOL स्टार्टर प्रयोग किया जाता है। एक पंप 3 फेज इंडक्शन मोटर सप्लाई वोल्टेज के आधे मान पर चलाई जाती है तो मोटर खराब हो जाएगा। पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन विधि द्वारा किया जाता है। पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर का स्पीड कंट्रोल करने की विधि सप्लाई वोल्टेज में परिवर्तन द्वारा, फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन द्वारा, रोटर रेजिस्टेंस का स्पीड बदलकर, स्टेटर पोल की संख्या में परिवर्तन कर, दो मोटरों को कपल्ड करके रोटर में EMF के इंजेक्शन द्वारा। एक इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करने के लिए रोटर रेजिस्टेंस इक्वल टू रोटर रिएक्टेंस यानी RL इक्वल टू SX2। DOL स्टार्टर लगी हुई पॉलीफेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट को बैकअप फ्यूज बचाता है। स्लिप रिंग इंडक्शन के रोटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस प्रारंभिक धारा कम करने और प्रारंभिक घूर्णन बल बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है। एक इंडक्शन मोटर से रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू स्लिप गुने स्टेटर फ्रीक्वेंसी। रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का प्रयोग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में किया जाता है। रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर के 3 वेरिएबल रेजिस्टेंसेस को स्लिप रिंग द्वारा स्टार कनेक्टेड फेज वाउंड रोटर टाइप इंडक्शन मोटर के रोटर के साथ सीरीज में संयोजित किया जाता है। रोटर रेजिस्टेंस स्टेटर का संयोजन स्क्वेरल केज रोटर टाइप इंडक्शन मोटर के रोटर के साथ संभव नहीं है क्योंकि उसमें स्लिप रिंग नहीं होता है। एक स्क्वेरल केज इंडक्शन मोटर चलते समय बहुत शोर करती है और जिस पात्र में ग्रीस है वह बहुत गर्म है। इसका कारण दोषपूर्ण बियरिंग है। 3 फेज मोटर की किन्हीं 2 सप्लाई लीड्स को आपस में बदलने से जिस दिशा में मोटर चल रही है उसकी दिशा उल्टी की जा सकती है। 20 HP 2880 RPM इंडक्शन मोटर के शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा। स्पीड बढ़ने के साथ ही शाफ्ट का व्यास कम होती जाती है क्योंकि उच्च गति के लिए शाफ्ट का हल्का होना आवश्यक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर ज़्यादा होता है। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के रोटर वाइंडिंग में रेजिस्टेंस जोड़ने पर पावर फैक्टर का मान बढ़ जाता है। पावर फैक्टर cos φ इक्वल टू R/Z। इंडक्शन मोटर के स्टेटर का आकार हॉलो सिलिंड्रिकल होता है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के बॉडी के ऊपर एक टर्मिनल बॉक्स लगा होता है तथा स्टेटर में 2 टर्मिनल प्लेट्स भी लगे होते हैं। जब इंडक्शन मोटर का रोटर सामान्य गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें उत्पन्न फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर 1200 RPM पर घूम रही है तब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो पोल की संख्या एन इक्वल टू 1200, एफ इक्वल टू 50 हर्ट्ज, तो n इक्वल टू 120 f/p, तो p हमको निकालना है तो 120 × 50/1200 यानी 5 पोल। सिंक्रोनस स्पीड का अभिप्राय रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के नेचुरल स्पीड से है। सिंक्रोनस स्पीड इक्वल टू 120 f/p। यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आती है तो यह अर्थ फॉल्ट कहलाता है। ओपन क्वाइल वाइंडिंग का प्रयोग AC मशीनों में किया जाता है। बियरिंग खराब होने की वजह से मोटर धीमी गति से चलने लगती है तथा खड़खड़ाहट की आवाज़ उत्पन्न करने लगती है। फुल लोड इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर 0.85 होता है। शून्य लोड पर इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.15 होता है। एक डुअल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में 2 पैरेलल वाइंडिंग होते हैं। डुअल स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के रोटर में 2 अलग-अलग स्क्वायरल एक दूसरे के अंदर होते हैं। बाहरी स्क्वायरल उच्च प्रतिरोधी धातु का बना होता है। अंदर का कोल क्वाइल कोर K
की परिधि के बहुत दूर होती है तथा इसकी छड़ें अधिक लोहे द्वारा घिरी रहती हैं, जिससे इसकी इंडक्टेंस बाहर के उच्च प्रतिरोध वाली क्वाइल से अधिक होती है। आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।